तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी भी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती भरना चाहते हैं या फिर आपने भर दी है या फिर कुछ और है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज पिछले कल कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस भर्ती में कुछ बदलाव किए गए, वो पूरे बदलाव आप सभी को विस्तार पूर्वक बोलूँगा मैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो पहले जो है 30 अंक का इंटरव्यू होता था, अब कल की मीटिंग के बाद 8 अंक का कर दिया गया है। तो इस इंटरव्यू में किस किस को फ़ायदा हुआ वो आप सभी को पूरा विस्तार पूर्वक बोलूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, बिकॉज इस चैनल के माध्यम से आप FP गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे पिछले कल क्या हुआ, लंबी जिद्दोजहद के बाद सरकार ने मल्टीटास्क भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया है। तो बदलाव कर दिया है पिछले कल, लोग क्या क्या बदलाव है आप सभी को पूरा विस्तार पूर्वक बोलूँगा। अब इस भर्ती में ज़रूरतमंद व बोलने सुनने में अक्षम लोगों को तवज्जो मिलेगी। तो इसमें जो है अब ज़रूरतमंद लोग जो बोलने और सुनने में अक्षम है उनको तवज्जो मिलेगी। वहीं विधवाओं, दिव्यांग, बोलने व सुनने में अक्षम लोगों को भर्ती में पहले 3 अंकों को बढ़ाकर 8 अंक कर दिया गया है। तो पहले जो है इनको 3 अंक मिलते थे, विधवा या फिर दिव्यांग या जो बोलने और सुनने में अक्षम है उनको 3 अंक मिलते थे इंटरव्यू में, अब उनको 8 अंक कर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी राहत की बात है उनके लिए। इसके साथ ही स्कूल को ज़मीन दान करने वाले लोगों को भर्ती में अब 5 की जगह 8 अंक मिलेंगे। राज्य सरकार ने भर्ती में सीधे 8 अंक बढ़ा दिए हैं। पहले इस भर्ती में इंटरव्यू के 30 अंक तय थे, जो बढ़ाकर अब 8 अंक कर दिए गए हैं। तो पहले 30 अंक किया इंटरव्यू तो था, अब 38 अंक का हो जाएगा। वहीं नियम 7 में बदलाव कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अप्रैल माह में यह भर्ती प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा। तो अप्रैल महीने में जो है इस भर्ती का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक स्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए स्थानीय स्कूलों में BO और को मांग भेजी जाएगी। BO इस मांग को निदेशालय भेजेंगे। निदेशालय से मंजूरी के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले जो BO के पास मांग जाएगी, उसके बाद BO जो है निदेशालय को भेजेंगे, फिर निदेशालय मंजूरी देगा, तो उसके बाद ये भर्ती आगे अमल में लाई जाएंगी। ठीक है, इससे संबंधित स्कूल सहित पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। तो यार यहाँ पे थोड़ा उतना क्लियर नहीं लिखा है, ये पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, STM की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। तो इसमें STM की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। पहले 8000 में से 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा से भरे जाने प्रस्तावित थे, लेकिन अब विवाद के चलते अब सभी पदों को STM की अध्यक्षता कमेटी के माध्यम से भरे जाएंगे। तो आप सभी को पता लग गया होगा पूरा अपडेट की क्या क्या अपडेट है इसमें। अब 36 अंक का इंटरव्यू होगा, पहले 30 अंक का होता था, अब STM की कमेटी जो है इसका भर्ती प्रोसेस पूरा करेगी। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, ऐसे बनेगी मेरिट। मेरिट कैसे बनेगी, अब आप सभी को पूरा विस्तार पूर्वक बोलता हूँ कि टास्क वर्कर भर्ती के तय होने वाली मेरिट अब 30 की जगह 38 कर दी गई है। इसमें अब स्कूल से तर तक की दूरी के लिए 8 अंक, शैक्षणिक योग्यता 8 अंक, विडो दिव्यांग को पति द्वारा प्रत्यर्जित महिला को 8 अंक, स्कूल को जमीन दान करने वाले को 8। तो इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता, जिसकी शैक्षणिक योग्यता भी हाई है, मतलब कि कोई 10वीं पास होगा तो उसको कम नंबर मिलेंगे, और जो +2 पास होगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो पूरा जो है अंक का ब्यौरा आप सभी के सामने है। तो इसी टाइप से होगी मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अपडेटेड रह सके आप सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कोई सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है।